गवर्नमेंट का टैक्स लगा के हमें लगा 20 हो जाता होगा। अरे भाई MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस अधिकतम खुदरा मूल्य में सब कुछ इंक्लूडेड होता है, ठीक है, समझ गए? Yes. अच्छा चलिए मान लीजिए आपने पानी पी लिया है, उसके बाद इस बॉटल को कैसे फेंकेंगे? लाइए सर। ऐसे ऐसे ये तो फिर से ऐसे ही हो गई। ऐसे ही तो ये लोग आपको और गवर्नमेंट को चकमा दे रहे हैं, इसी में टूटी का पानी भर के फिर से आपको पिला देंगे। ऐसा ना हो इसके लिए लाइए इस ढक्कन को ऐसे दबा के इसके अंदर डाल दीजिए। अब ये बॉटल बर्बाद हो गई, ये ढक्कन जो है ये निकलेगा नहीं अब, ठीक है? ऐसा करने से आप खुद को और बाकियों को भी गंदा पानी पीने से बचा सकते को दो जगहों से बदला जा सकता है, एक बिल्कुल नीचे मजदूर किसान क्रांतियां और एक ऊपर से IAS IPS IRS। अभी आप लोग एस्पिरेंट हैं लेकिन आप ही लोग IAS बनेंगे, पर आप ही क्यों बनेंगे? आपके बगल में जो बैठा हुआ है वो क्यों नहीं बनेगा? ऐसा क्या खास है आप? हाँ तुम ही क्यों बनोगे, तुम्हारे बगल वाला क्यों नहीं बनेगा? सर अच्छे से पढ़ेगा तो वो भी बन सकता है। अरे एक ही सीट हुआ फिर? फिर मैं ही बनूंगा। अरे तो वही तो पूछ रहे हैं, तुम क्यों बनोगे भाई, क्या खास है तुम्हारे अंदर ऐसा? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी से UPSC नहीं निकलता है। सर माई डिजायर टू चेंज द सिस्टम। सिस्टम में घुसेंगे तब तो सिस्टम चेंज करेंगे। First deserve, then desire. बैठो। Next. Sir, Sir, positive approach. अधूरा है। दुनिया का second toughest और इंडिया का oldest comparative exam है भाई। हलवा नहीं है, इतना simple नहीं है। Sir, dedication. Dedication. और कोई? Sir, देश की सेवा का जुनून। Sir. Sir, याद था sir. सर, अच्छा टीचर भी तो होना चाहिए। तो अब ज्यादा नहीं, आप भी तो एक्सीलेंट टीचर है सर, तभी तो अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ। अरे लव यू टू। अच्छा बैक टू क्वेश्चन। आता था सर। सर पेशेंस। पेशेंस हाँ। सर परसीवरेंस। परसीवरेंस हाँ। और तुमने क्या बोला था? डेडिकेशन। यस यस यस। पेशेंस परसीवरेंस डेडिकेशन, ये जिसके अंदर सबसे स्ट्रांग होगा ना बन जाएगा IAS। कछुआ जानते हो? कछुआ नॉर्मल रेस नहीं है भाई, ये मैराथन है। खरगोश नहीं जीतता, यहां जीतता है कछुआ। कछुआ बनो। मैक्सिमम लोग थक के हार जाता है, टूट जाता है, भाग जाता है। और ये जो राजेंद्र नगर है ना, ओल्ड राजेंद्र नगर,
यहाँ पर आपको जज्बों का, उम्मीदों का, निराशाओं का अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेगा। कुछ कहानियां यहीं शुरू होके यहीं खत्म हो गया, पर कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। ये यूपीएससी का एग्जाम ना फिजिकली नहीं, मेंटली भी चूस लेता। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है, इतना पढ़ के भी ना खाली लगता है अंदर से। मेहनत कोई नहीं देखता है, लोग आएंगे फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे सिंसियर नहीं था ना तो कर नहीं पाया। और आप में से 99.9% लोग आईएएस नहीं बनने वाले। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट कह रहा हूं। आप कितना लोग बैठते हैं? 12 लाख। प्रीलिम्स का बाद कितना? 15,000। मेंस का बाद 3,000 लोग बसता है। इंटरव्यू के बाद 1,000 में मैक्सिमम नंबर बोल रहा हूं। यानी इस क्लासरूम में तुम में से शायद कोई एक आधा आईएएस बन जाए, शायद, गारंटी नहीं है। डर गए हैं? लग रहा है अरे सर तो डीमोरलाइज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं। लेकिन इसका बावजूद आप तैयारी करोगे, आप पढ़ोगे, आप एग्जाम दोगे एंड दैट मेक्स यू अ वर्दी यूपीएससी एस्पिरेंट। टफ है यार यूपीएससी का एग्जाम, टफ है, सबको पता है यूपीएससी का एग्जाम टफ। पर यूपीएससी इतना टफ एग्जाम क्यों लेता है? क्योंकि वो चाहता है कि प्रेशर आपका आदत बन जाए। ये जो प्रेपरेशन है ना, ये प्रेशर को लाइफस्टाइल का पार्ट बना देगा। लबासना से शुरू नहीं होता यूपीएससी का ट्रेनिंग, यहां से शुरू होता है प्रेपरेशन से। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है गाइस, क्योंकि आपको दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी की बागडोर संभालनी है। और यूपीएससी आपको कुछ सोच कर चुनेगा, आपको उसकी सोच को समझना। जब अंग्रेज गए थे ना भारत छोड़कर, तो दूसरा, रेलवे के अलावा जो दूसरा बेहतरीन चीज छोड़कर गए थे वो था यूपीएससी। और तुम कहां हो? तुम हो यूपीएससी का मक्का, ओल्ड राजेंद्र नगर। कभी वक्त मिले ना तो इसे ऊंचाइयों से देखना, लाखों सपनों का समंदर। मेरे कछुओं, डूब जाओ इसमें और खोज लाओ अपना अपना। यार एसके सर की बात सुनकर ना जोश आ जाता है, कभी कभी फनी भी लगता है। तुझे पता है उन्होंने अपनी बाइक पर नीली बत्ती लगा रखी है। अरे इसीलिए सब लोग उनको नीली बत्ती बुलाते हैं क्या? तेरे को एसके सर का बैच ज्वाइन करने बोला था मैंने। यार तेरे इंस्टीट्यूट में मेरा ऑप्शनल का पंगा था यार। ऑप्शनल की तैयारी तो अनअकैडमी भी कर सकता है, अनअकैडमी को ऑप्शनल के बेस्ट टीचर्स हैं। लेकिन पर मेरा सब्जेक्ट मिलेगा अनअकैडमी पर? अनअकैडमी पर 20+ सब्जेक्ट्स हैं, डेली 10 कर सकता है अगर तेरी कैपेसिटी हो। साला बाइक पे नीली बत्ती कौन लगाता है? गवर्नमेंट ने तो कार से बैठा रखा है। चल चल नहीं अरे एसके सर, कैसा है भाई? बढ़िया है, हैंडसम हो गया है भाई। बैठो, चाय पिएगा? हाँ मैं बोलता हूँ। चाचा हमारी मीटिंग स्पेशल। अरे 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 ले रहे हैं भाई, कोई नहीं। पैसा तो नहीं दिया ना? नहीं नहीं सर, हमारी भी दो है। स्टूडेंट है मेरा, देख हमारी भी दो है बोल रहा। अच्छा वो अनअकैडमी कॉम्बैट गेमिफाइड कॉन्टेस्ट जो है उसमें साइन अप किया? हाँ सर, हमारे पूरे ग्रुप ने कर दिया। अरे बहुत बढ़िया,
चलो क्लास को, क्लास को चलो, ऑल द बेस्ट। तू यहाँ कब से पढ़ाने लग गया? अरे चाचा ने इंस्टीट्यूट खोला। हाँ, वो अंडर प्रिविलेज एस्पिरेंट है, उनके लिए मैंने कहा यार 3 घंटा फ्री में हम भी पढ़ाएंगे। चाचा खुश, बच्चा खुश, हम खुश, मौज आ रहा है भाई। बिल्कुल बढ़िया। क्या भाई, क्या लगा है क्या, कुछ क्या देख रहा है? ये कौन सी हेयर स्टाइल है, तूने बाल क्यों चिपटा रखे हैं? ये सीनियर लुक है भाई, ये स्टूडेंट साला सीरियस लेता नहीं है वरना इसके बिल्कुल। कितना सीनियर लुक ट्राई करेगा, चोमू लग रहा है इन बालों में। चोमू मत बोल यार। क्यों? मैं तेरा बाल के ऊपर कुछ बोलूंगा फिर तेरे को बुरा लगेगा। अरे बोल ले भाई, यहाँ शर्म थोड़ी आती मुझे। मैं सुनूंगा इस कान से निकाल दूंगा। अरे यार गुरी गुरी गुरी, 8 महीना से यार कहाँ था तू? है काम चल रहा। ए, तेरा वो फेसबुक पर देखा क्या, एनजीओ क्या शुरू किया तुमने? एनजीओ जूता का बिजनेस में बहुत ब्लैक मनी है भाई। हर एनजीओ का ना ब्लैक मनी थोड़ी होता है, तो वही बात हो गई कि हर आईएस घूस लेता है, कुछ ईमानदार भी तो होते हैं। अभिलाष लेता होगा क्या घूस? मुझे क्या पता, मेरे एरिया का डीएम थोड़ी। आखिरकार डीएम नहीं है, पर दोस्त तो है ना, तो मतलब ऐसा क्यूरियोसिटी। 6 साल से बात तक नहीं की वो दोस्त। तेरा गुस्सा खत्म नहीं हुआ ना उसके लिए? साले का मुंह ना देखो। मुंह ना देखूंगा पर वीडियो पूरा देखूंगा। है क्या देख रहा था? क्या देख रहा था? ए गुरी क्या देख रहा था? ये ले साइज देख ले, सही है कि नहीं? पकड़। तू 1-2 साल में एक बार मिलता है भाई, कुछ ब्रांडेड लाया कर यार। ये प्री फैक्ट्री से उठाया दे दिया। साले ब्रांड एम्बेसडर है तू मेरा। अच्छा एक बात बता, तेरे को पता तेरे स्टूडेंट को नीली बत्ती बुलाते? सब्जेक्ट चेंज मत कर। सच है ना? सच है ना? अरे झूठ है वहम है, तो लास्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल चेंज करने का रिस्क कोई नहीं लेता है। 3 दिन से सेम चीज समझा रहे तुमको, लास्ट अटेम्प्ट में ऑप्शन कौन चेंज करता है यार? देख मैं 3 बार फेल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलत सब्जेक्ट चुना। अब चेंज तो मैं कर रहा हूँ, ये तो डिसाइडेड है। मेरा मन हिस्ट्री लेने का है, तुम मुझे बस अब कंफ्यूज कर रहा है यार। हिस्ट्री? ए हिस्ट्री में जानते हो कितना कंपटीशन है? पूरा हिंदी मीडियम वाला सब हिस्ट्री में भरा बैठा है, और एक गलती करके फिर दूसरा गलती करना है। अच्छा डिसाइडेड है, डिसाइडेड है चेंज करना है। हाँ तो हिंदी लिटरेचर ले लो, तो साइंस और इंग्लिश वाला कोई उसमें नहीं है, और भाई बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट। हिस्ट्री भी तो लिटरेचर ही है ना, उल्टा उसमें रियल स्टोरीज हैं जो मुझे ज़्यादा एक्साइट करती हैं। जीनियस और बेवकूफ, ये दो लोग होता है जो लास्ट अटेम्प्ट में अपना ऑप्शनल चेंज करता है, और जीनियस तुम हो नहीं। हाँ पता है यार, तभी तो नर्वस होना यार, तभी तो सब्जेक्ट चेंज करना चाहता हूँ। आई कैन नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक भाई। राइट, अब एक सही ऑप्शनल ही मेरा लास्ट अटेम्प्ट बचा सकता है। वही तो बोल रहे हैं यार, तुम जितना टॉपर है 91 से अब तक AR1 देख लो, या तो ये पबेड वाला हुआ है या लिटरेचर वाला हुआ है। लिटरेचर लेकर खत्म करो ना यार। नहीं चल रहा है यार। अरे चचा इसकी सिगरेट जलाओ यार। ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है तो बाकी एस्पिरेंट दूसरे सब्जेक्ट क्यों लेते हैं? सब ये क्यों नहीं ले लेते? देख मैं बताता हूँ, जो भी सब्जेक्ट लेगा ना यार, 2-4 मार्क्स तो इधर उधर हो जाता है यार, टेंशन क्यों ले रहे तू? चिल ना। चुप। ये तो टेंशन ले भाई, इसे थोड़ी UPSC निकालना है, IAS बनना है। देख ये जो 2-4 मार्क्स का गेम होता है ना, ये 25 स्क्वायर फीट का कमरा से ना तेरे को 2500 स्क्वायर फीट का बंगला में लेकर जाएगा भाई। और लो स्कोरिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री क्यों ले रहा है भाई? कोई हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट से चांस बढ़ाना अपना। अभी तक प्रिपरेशन कैसे किया? जॉब के साथ किया, विदाउट गाइडेंस किया है? अभी यहाँ पर आया तू फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन के लिए? ये राजेंद्र नगर में ना भाई सारा बाप लोग बैठा हुआ है, तेरा लास्ट अटेम्प्ट है, लेकिन तू इनके सामने अभी फ्रेशर है। मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है, तू किसी से जाके पूछ ले, इसके अलावा सेम चीज कहेगा। आपको UPSC नहीं करना है? पेमा रिजी जो भाई, पूरा खानदान जो है IAS है इनका, और ये कौन है? ये है राजेंद्र नगर के हनी सिंह। अरे फिर से भाई, अरे हनी सिंह तो मत बोल यार। अच्छा वो सुना ना तेरा क्या है वो है?
तू सुना। यूपीएससी तो बहाना है, खुद को मुंह दिखाना है और रैप दिलो जान में फिर गागा मचाना है। वाह यार, ये आपका है? हाँ जी। गजब है यार। अभिलाष हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता था, गुरी और मेरे साथ। हाँ, 3 अटेम्प्ट दिया है, 2 प्रीलिम्स निकाल दिया, अभी प्रिपरेशन करके बढ़िया से देगा। ए, हम तीनों को क्या बोलते थे कॉलेज में बता इसको? कुछ नहीं, वो हम लोग साथ ही घूमते थे ना, तो हमको सब ट्राइपॉड बोलते थे, जुड़े रहते थे एक साथ। सच्ची में ट्राइपॉड भाई, 3 बराबर बिल्कुल। लेकिन भाई मेरे को तो हनी सिंह बहुत बढ़िया लगता है यार। अरे यार देख, हनी सिंह जो करता है ना वो असली रैप नहीं है। यू सी, एक दिन इंडिया में असली रैप हो, रैप है गुस्सा, लड़कियों का धुमका नहीं है। तो आपको किस बात का गुस्सा? एसके विद दे फ्रस्ट्रेशन की हाइट है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स की फाइट है। ये सॉन्ग नहीं, रैप नहीं, उनकी लाइफ है भाई। सब्जेक्ट चेंज, वो भी लास्ट अटेम्प्ट में। ज्योग्राफी ले लो यार, नीट में है। जिसके नोट्स आसानी से मिल जाए ना वो लो, वो सही रहेगा। झेलना पड़ता है रोज एक्सपेक्टेशंस का बोझ, तानों की फौज, जलने वालों की नोज। नींद जाए फाड़, तू किताबों को ताड़, इस आलस को फाड़, बुरी नजरों का झाड़ जड़ से उखाड़, एक्सपेक्टेशन को गाड़। अरे पावली के गाड़ देना। सेम सब्जेक्ट जिससे पीसीएस में निकाल सको, मान लो यूपीएससी नहीं निकला तो प्लान बी तो रहेगा। पॉलिटिकल साइंस, नेता बनने का भी स्कोप है भाई। आईएएस नहीं बने ना तो पापा शादी नहीं होने देंगे, फिर मांगते रहना वोट। नहीं, मैं बोलूंगी कुएं में कूद जा, कूद जाएगा क्या? चटनी डालिए ना आप। सेल्फ डाउट में खड़ा, तू तो खुद से लड़ा, एआईआर के पीछे तू तो कब से पड़ा, अखबारों की लत, सिगरेट की खपत, यूपीएससी की रट, कोई फायदा नहीं बट, सब दोस्त अब रोड और तू मिडल रोड। चल कोई ना, नीली बत्ती में तू ही चल ले। हमारी मानो आप एग्रीकल्चर ले लो, किसानों की तो कोई बात ही नहीं करता ना संसद में ना सड़क पे, अब तो तुम ही से उम्मीद है बेटा। ए व्हाट्सएप ग्रुप है, देख कलेक्टर साहब, इसमें नोट्स, ये बुक्स का PDF देख रहा है, मोटिवेशनल वीडियो, ऐसे सब आता रहता है। तो लोग कोई सवाल पूछना हो ना बेझिझक इसमें डाल दिया कर, ठीक है? ठीक है। और सुन, तू ये रैप डालना बंद कर भाई इसमें। अरे भाई ये भी तो मोटिवेशनल है ना। मोटिवेशनल रिश्तेदार थोड़ी हैं तेरे? अरे नहीं आंटी, वो बड़ों को देख के रिस्पेक्ट तो आ ही जाती है। ये रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दिखाने के चक्कर में ना अपनी परेशानियां ना सुनाने लग जाना। हाँ आंटी, वो ऊपर कमरे में आवाज आए। यही तो मैं कह रही थी। है? क्या हो गया? निपटो। तू है? बोल बेटे। अंकल वो कमरे में आपके टीवी की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, तो पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है, बंद कर लीजिए। बंद कर दूं? हाँ। वो कैसा बदतमीज आदमी है यार तू? वो कार मेरा, टीवी मेरी, समाचार मैं अपने देख रहा हूँ, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो एक बात बता कि सारा करंट अफेयर का ठेका क्या तुम लोगों ने ले रखा है? तो जब यहाँ राजेंद्र नगर में मीटिंग होती है ना इंटेलेक्चुअलों की, तो मेरी भी एक राय है, मुझे भी कुछ बोलना होता है, टीवी नहीं देखूंगा तो क्या करूंगा? तू चाहता मैं कुछ ना बोलूं? अरे अंकल, लेकिन ऐसे तो फिर ये तो रोज की दिक्कत हो जाएगी, मैं तो पढ़ने आया हूँ यहाँ पे। इसीलिए तो तेरे कमरे का किराया कम है ना, है?
अच्छा आपके तो इतने सारे कमरे हैं, आप किसी और रूम में शिफ्ट कर लीजिए ना ये टीवी। बेटे किसी और के रूम में टीवी शिफ्ट करूंगा तो किसी और का आवाज जाएगी, उसको परेशानी होगी। यू ओके विद दैट? हाँ अंकल ठीक है चलेगा। चलेगा जी भाई। कैसा आईएएस अफसर बनेगा यार तू? और प्रशासनिक अधिकारी को ना अपने से ज्यादा दूसरों की सोचनी चाहिए। तू तो यार बड़ा नेगेटिव है यार। सुन बेटा तू ना यहाँ बैठ मेरे साथ, दोनों न्यूज सुनेंगे, तेरी भी तैयारी हो जाएगी। जीएस में ना फुल मार्क्स आएंगे, थैंक यू बोलेगा तू मेरे को। जिस कमरे में तू रहता है ना, तेरे से पहले उससे भी पहले एक लड़का रहता था यहाँ, तबाही मचा दी थी उसने। कैसे यहाँ बैठ के मेरे साथ न्यूज सुनता था। आजा बैठ और न्यूज सुन। हाँ, जी फड़ो रोटी वोटी बना के रखा ही हूँ, ठंडी हो गई तो दोबारा नहीं गर्म करूंगी, जल्दी से पी लो। अरे क्या आंटी भी? हाँ अरे पंजाबी है। चीयर्स। क्या लेगी? मुझे नहीं पीना। अरे एक पैक से कुछ नहीं होता यार बेबी, कम ऑन बेबी बी अ स्पोर्ट। अरे नहीं पीना। अरे ऐसे कैसे नहीं पीना यार, हम पंजाबी हैं। तो पंजाबी तो सारा बाहर पी जाओगे, मैं भी तो पंजाबी हूँ, पी रही हूँ क्या? प्यार लाल प्यार। ए, ओ, कौन था यार वो बुड्ढा? वालिया। वालिया अंकल क्या बोलता था? हम तो पंजाबी हैं भाई। क्या दिन थे ना यार, सही टाइम था यार वो है। अच्छा सुन, मैं दिल्ली जिस काम के लिए आया वो बताया नहीं? क्या वो जूते का शोरूम खोल रहा है? नहीं नहीं उसमें तो टाइम है, सोचा तो उससे मिलके बताऊं। हाँ बैठे हैं बता यार। मैं शादी कर रहा हूँ। हैं? शादी कर रहा हूँ। अरे यार, अरे क्या कर रहा है यार? भाई चीयर्स भाई चीयर्स। कब हुआ यार ये? अभी बस कुछ दिन पहले। बहुत सही भाई। मुझे पता है जब प्रगति का पीसीएस निकला था, सारा लड़का लोग तेरे को जज करता था कि अब प्रगति तुझसे क्यों शादी करेगी। मुझे क्यों जज करते थे? उनमें से निकला किसी का? क्या तू सीरियस क्यों हो जाता है? मजाक था भाई। ओए पूरा ग्रुप में पहला बंदा का शादी हो रहा है यार। ए? ए, पूरा यूपीएससी गैंग आएगा भाई शादी में पूरा। अभिलाष को मैं बुलाऊंगा। मैं अभिलाष को नहीं बुलाऊंगा। हाँ तो मत बुला ना। तो बस मैं और एसपी आ जाए। हाँ यार प्रगति को भी लान देना साथ में यार, वो बुरा मान जाएगी। अरे यार कमरे में जगह और दारू दोनों ही कम है, ऊपर से लड़की आएगी। वेलकम टू राजेंद्र नगर भाई। चल ठीक है आता हूँ घी लेके। ओए हरियाणा बॉर्न पंजाबी, घरों में घी मिला के पिएगा क्या? ओ तेरे लिए माँ ने भेजा स्पेशली घर से शुद्ध घी। एसके कह रहा था बड़ा कमजोर हो गया तू। कौन एसके? उस सुकड़े को तो पूरा देश ही कुपोषित लगता है। वो तो है। चल ठीक है मिलता हूँ शाम। अच्छा ठीक है फिर तुम लोग आ जाओ। हाँ अभिलाष, मैं आपके बगल वाले रूम में हूँ, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। दिख रहा है? अरे ये वो
आप मोबाइल में क्यों नहीं न्यूज़ सुन लेते? मोबाइल में न्यूज़ कम, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। हाँ करेक्ट। अगल बगल के एस्पिरेंट सही कहते हैं आपके बारे में कि और किसी का हो ना हो, आपका यूपीएससी ज़रूर हो जाएगा इस बार। दो बार मेंस निकाला है आपने, छोटी बात है। मुझको भी थोड़ा गाइडेंस रहेगा तो। क्यों रहेगा भाई? तेरा ना निकला तो कहेगा मैंने गलत गाइड कर दिया। भैया मैं अपनी जिंदगी की किताब लिखूंगा, तेरा गाइड बढ़ूंगा? नहीं भैया, मैं तो मतलब ऐसे ही वो थोड़ा सब्जेक्ट सिलेबस डिस्कस करना हुआ तो। कोचिंग वाले बताएंगे ना, अभी किस बात के पैसे ले रहे हैं? वो तो अभी ज्वाइन नहीं की। शाबाश, कद करेगा ना। आईएएस बन जा पहले, कोचिंग वोचिंग उतनी रहेगी, उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। नहीं ये भी ठीक है। यार सब्जेक्ट को लेके परेशान मत हो यार, अब तू यहाँ आ गया है तो क्लियर हो ही जाएगा। ये ले, टेस्ट करके था नमक कैसा है? पागल है बोली। ओए अब तो खा ले यार, हैं? तेरे चक्कर में कितनी घास फूस खाई हमने कॉलेज में। ले खा ले, लेग पीस दूँ? लेग पीस दूँ? पागल हो गया क्या बोली? ओए ओए ओ तो भूखा मर फिर, और दाल नहीं बनाई मैंने तेरे लिए। कमाल है यार, तो एक छोटे से दो किलो चिकन बना रखा। क्या कर रहा है रे? अरे यार मेरे लिए तो सारे सब्जेक्ट बराबर हैं यार, मैं तो कुछ भी ले सकता था, कुछ भी एनीथिंग। एसके क्या बोलता है? कुछ भी ले सकता था, कुछ भी, लेकिन मैंने वो ऑप्शन लिया जो प्रगति ने लिया। तो सोचा था इसी बहाने से थोड़ी बात हो जाएगी, और भाई बात बढ़ गई, बात बढ़ गई भाई। तो तेरा तो हो ही गया ना, मेरे लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं किस लिए हूँ? मैं करता हूँ तेरा काम आसान। सुन ध्यान से सुन, पलती मार के बैठे, बैठ जा, बैठ आराम से, बैठ जा आराम से, बैठ जा। बैठा ही हूँ आराम से। हाँ तू वो सब्जेक्ट ले जो स्कोरिंग हो और तेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड को मैच करता हो, बस। और जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो ताकि प्रीलिम्स तेरी हेल्प करे, सब्जेक्ट मेंस और इंटरव्यू उसमें भी तेरी हेल्प करे, वो सब्जेक्ट है। और रट्टा नहीं मानना पड़े, रट्टा नहीं यार, थू इसकी तरह लॉजिक बेस्ड होना चाहिए, और जिसका स्टडी मटेरियल रद्दी वाले के पास भी इजीली अवेलेबल हो यार, ताकि सेल्फ लर्निंग ईजी हो जाए। और हाँ टीचर भाई, टीचर सब्जेक्ट, क्योंकि आज के ज़माने में ना बिना द्रोणाचार्य कोई अर्जुन नहीं बन सकता, याद है ना? अंगूठा, बलिदान, महाभारत। एकलव्य ने काटा था अंगूठा, एकलव्य था ये, अर्जुन नहीं था। अच्छा इसके, हाँ कोई नहीं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्जेक्ट का सिलेबस जो है ना वो थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि कोर्स जल्दी खत्म हो जाए, और उसके बाद अपन गंद पाए यार, पार्टी करें। ये सारी क्वालिटी जिस सब्जेक्ट में है ना वो तेरे लिए परफेक्ट है। और कौन सा है ऐसा परफेक्ट सब्जेक्ट, कौन सा है? वही मैं बताऊं आप, मतलब तू डिसाइड करेगा ना भाई। मैं तो और कंफ्यूज हो गया हूं यार। और क्या कंफ्यूजन है यार, क्यों बोल यार? ऐसे कैसे आईएएस बनेगा तू? हां एक सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हो रहा इससे यार, देश के बारे में डिसीजन कैसे लेगा? समझाया यार, ये आदमी जहां जाएगा उस स्टेट को तो फेल स्टेट कर देगा। ओए एसके,
पता है इसको मेरे बाप की जमीन कितनी है हरियाणा में? 10 क्या होता है वो? 20 एकड़ है। 10 और लिए 20 एकड़। भाई मेरे बाप की हरियाणा में 20 एकड़ जमीन है, पूरे गांव की फट्टी थी मेरे बाप से। एक दिन चंडीगढ़ से एक आईएएस अफसर आया, उसने भाई क्या गाड़ फाड़ दी बाप की मेरे 2 मिनट में। उस दिन समझ में आया कि शक्तिमान तो चूतिया है यार। यार वाली अंकल आ जाएंगे ऊपर। शक्तिमान तो चूतिया है, असली पावर तो आईएएस के हाथ में होती है। हा? उस दिन गुरु ने डिसाइड किया कि अगर बनेगा तो आईएएस बनेगा। पैसो जब नीली बत्ती में निकलेंगे ना, पैओ 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 पैओ। हेलो, मैं गुरी के यहाँ। अच्छा, गुरी तो तुम हो? हाँ, गुरी तो मैं हूँ। सॉरी 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 प्रगति, सॉरी। मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, तुमने कहा था तुम आओगे। मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। जल्दी आओ। हाँ आ रहा हूँ। आता हूँ एक मिनट। अरे सुन ना ये अभिलाष, 2 लाइन लिखा है, सुन ना आके। उसका तो पूरा का पूरा सुन रहा है मेरा। इन पलों में कुछ खोज रहा हूं क्या, जीवन तक चल रहा है, मैं सोच रहा हूं क्या। टट्टी लिखा है सर। क्यों होया? यूपीएससी लिखने का फैसला गलती लग रहा है? अरे नहीं नहीं संदीप भैया, ऐसा क्यों लगा आपको? ना मतलब इस चारू चंद्र की चंचल चितवन रात में तेरी कंफ्यूज शक्ल सारा अलंकार खराब कर रही है। अरे वो संदीप भैया, वी आर तो लिविंग इन अ पोस्ट मॉडर्निज्म सोसाइटी, वी आर टेंड टू बी कंफ्यूज्ड। मैं थोड़ा सा ज्यादा हूँ बस। अरे यहाँ पे ये वालिया अंकल, चाय वाला, घर वाले तो बोलते ही थे, अभी खुद के दोस्त भी हर बात पे, ऐसे कैसे आईएएस बनोगे? अरे पहले यूपीएससी हो तो जाए, अभी से हर आदमी जज कर रहा है। एक हफ्ता होया नहीं आए, इब्बते झेल गया, ऐसे कैसे आईएएस बनेगा? मजाक कर रहा हूँ। What is bureaucrat? Bureaucrat क्या होता है? Bureaucrat? नौकरशाह। एक आईएएस जनता का नौकर होता है। बन जाओगे ना तो इन्हीं लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी, यो फैक्ट है। पर संदीप भैया, बहुत सारे लोग तो पावर के लिए आईएएस बनते हैं,
देख भाई, पावर से बल्ब भी जलता है जो लोगों की जिंदगी में रोशनी कर देता है, पावर से करंट भी लगता है जो लोगों की जान ले लेता है। यू हैव टू डिसाइड पावर का यूज कैसे करना है। चल छोड़, तू ये बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर? भाई संदीप भैया, देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है। तो इंटरव्यू वाला आंसर है, पैनल को इंप्रेस करने के लिए हर कोई यही बोलता है। मैंने भी यही कही थी, भी इसमें एक चक्कर और है, देश की सेवा तो और कोई कर रहा है, चाय वाले से लेकर बड़ा बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन से लेकर स्पिरिचुअल गुरु, किसान, टैक्स पेयर, टैक्स तो सभी देते हैं। हाँ, सब देते हैं, भी तो देश की सेवा कर रहे हैं। तो आईएएस बन के देश की ऐसी कौन सी सेवा कर लेगा तू, वाह बता। और संदीप भैया, ये भी तो देश सेवा का ही एक तरीका है। तरीका तो है, पर तेरी जगह अगर कोई और आईएएस बनेगा तो वो भी यही करेगा, सेम एज यू थिंक। तो फिर तुझे ही क्यों आईएएस बनना चाहिए? तेरे अंदर कुछ तो होगा जो औरों से बेहतर कर सके एज आईएएस, होगा ना? ये करेगा बता, क्या अलग करेगा? मतलब इस तरीके से कभी सोचा नहीं है सवाल को। सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। इंटरव्यू से ज्यादा तुम्हें क्लियर होना चाहिए आईएएस क्यों बनना है। ये आईएएस बनने की ट्रेनिंग लबसना से ना, यही प्रिपरेशन से शुरू होती है। रेडियो ठीक हो गया? बढ़िया, पानी पी गया? नहीं भैया। इलेक्ट्रॉनिक्स करिए? नहीं भैया, करी तो इलेक्ट्रिकल है पर ये सब कर लेता हूँ। अच्छा सही है। संदीप भैया, आपका क्या है ऑप्शनल? ऑप्शनल को लेकर कंफ्यूज्ड है? हाँ, चेंज करने का सोच रहा हूँ। पहला अटेम्प्ट है? नहीं, लास्ट है। लास्ट? लास्ट अटेम्प्ट में सब्जेक्ट कौन चेंज करता है भाई? पहले क्या था? पहले यही इलेक्ट्रिकल ही था, पर तीन बार फेल होके इतना तो समझ में आ गया कि इससे तो नहीं निकलेगा एग्जाम। सोच समझ के डिसाइड करिए भाई, सब्जेक्ट बदलना डिवोर्स लेने जैसा होता है, कड़ा पेनफुल। इसी का तो टेंशन है सारा। मैं तो क्लियर था मेरे को हिस्ट्री लेना है, पर यहाँ पे सबने इतना कंफ्यूज कर दिया है मुझे, अभी समझ ही नहीं आ रहा है। इस बार भी गलत सब्जेक्ट हो गया तो फिर सब खत्म। भाई वो बता, गलत सब्जेक्ट क्या होता है? गलत सब्जेक्ट वही जिसमें कम मार्क्स आते हैं। गड़बड़े भाई, गड़बड़े सोच। मैं बताता हूँ। गर्लफ्रेंड है तेरी? है क्या?
गर्लफ्रेंड बावड़े तुम्हारा क्या रहा है? गर्लफ्रेंड ना नहीं है। नहीं, पिछले जॉब में एक अच्छी लगती थी बहुत, पर उससे कभी बात ही नहीं हुई। दूर से ही दिखता था, उसको पता ही नहीं था। बावड़े, उसे गर्लफ्रेंड कहते हैं। चल छोड़, सब्जेक्ट जो है ना गर्लफ्रेंड की जैसा होता है। जिस लड़की में आपका इंटरेस्ट नहीं है आप खुश ही नहीं रह पाओगे ना, ब्रेकअप हो जाएगा। लेकिन जिस लड़की में आप जितना इंटरेस्ट लोगे, जितना टाइम दोगे, उतना प्यार देगी। सही? हाँ। सब्जेक्ट है, सोचो। और ये फालतू बातें हैं जो टोपर ने ले लिया वो सब्जेक्ट ले लिया, या फलाने सब्जेक्ट में कम या ज्यादा मार्क्स आते हैं। भाई सही से पढ़े हैं, सब में मार्क्स आवेंगे। ये बात टोपर समझते हैं इसलिए टोपर्स बढ़े। करेक्ट। और ईसा ना है कि तू पहला है, वो हैं घने जीनियस या बेवकूफ जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में सब्जेक्ट चेंज करके इतिहास बनाया। यू कैन मेक हिस्ट्री टू भाई, हु नोस। कॉन्फिडेंस रख। कर कर हो गया क्या? हाँ सही कह रहे थे सब, और किसी का निकले ना निकले, आपका तो यूपीएससी इस बार पक्का निकलेगा। देखो अच्छा। ये लो करो चेक। बन गया? बन गया। सही है? हो गया। सब्जेक्ट ट्यून। हाँ हिस्ट्री। संदीप ये श्वेत केतु है। अरे चप्पल पहन सकते हो? देख पहन लिया। हेलो चलो ठीक है संदीप भैया, गुड लक भाई, सही से पढ़ी। हाँ जी संदीप भैया वो ना भाई। ओके कैरी ऑन करो। अच्छा चलो चलो बिजी है। किसके साथ लगा हुआ है फोन पे? अरे वो कुछ स्टूडेंट था, उनका डाउट क्लियर कर रहा था। महिला छात्र होंगी? कुछ भी क्या है? ये गुरीज मैरिज, ये ग्रुप तूने बनाया? यूपीएससी का जितना दोस्त लोग था सबको इनवाइट कर दिया, अभिलाष को भी ऐड कर लिया। क्यों हो रहा है भाई? तू एक कदम बढ़ाएगा तभी तो वो भी। अरे मेरी गलती थी क्या? मैंने कहा तेरी गलती थी, पर भाई बड़प्पन भी तो दिखा सकता। तूने बिना पूछे ग्रुप कैसे बनाया मुझसे? तू उसका वीडियो नहीं देखता रहता? अरे वीडियो देखा धीरे, तो शादी बुला लेगा क्या? कमेंटी रिप्लाई तक नहीं करेगा, देख ले। देख 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 ए देख, टाइप कर रहा है। मैं तुम दोनों को जानता हूं यार, बचपन के दोस्त है, मजाक है कोई? दिल का खराब नहीं है वो, ये बता रहा हूं मैं, गलती भले ही उसका था। देख, देख ले। मैम
इन्होंने ना हिस्ट्री ऑप्शन लेके एकदम हिस्ट्री क्रिएट कर दी यार। काश मेरे टाइम में भी अनअकैडमी होता तो शायद इतना कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन तो काफी होता है, इनफैक्ट मुझे खुद इतना कंफ्यूजन होता है। मैं भी कहूँगा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि अनअकैडमी की यूपीएससी प्रिपरेशन आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले जाएगी। इनफैक्ट प्रीलिम्स से लेके मेंस इंटरव्यूज अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको हर स्टेप पे बहुत अच्छा गाइडेंस करेंगे। तो अभी अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए तुरंत। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मैम ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ, इस अटेम्प्ट में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेरी गुड, आप लोग भी अनअकैडमी जल्दी से डाउनलोड करिए। और टीवीएफ जिन्होंने इतना मजेदार एपिसोड बनाया है, थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा। एंड गाइस विद अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट।